एक बहुत ही सुंदर कहानी, भजन और भोजन। एक सेठ के घर के बाहर भिखारी खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आज आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर भी वो कह रही थी, रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गाए जा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ जी ये सब देख रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। आखिर सेठानी से बोले, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को भी आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आते हैं तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।